Hi everyone. So we are back with the rapid revision of most important orders and rules of CPC. ये part one है. इसको part one कर दिया है. तो there'll be total 7 sessions on this, जो हम लगातार अब आने वाले days में करेंगे, because ये काफी important portion है आपके राजस्थान और हरियाणा दोनों की preparation के लिए. So ये इसके पहले का video आप देख सकते हैं, वो एक 1 hour का video है, जिसमें मैंने discuss किया है कि कौन से orders को आपको करना है और कौन से orders को आप छोड़ सकते हैं, and also फिर अब हम detail में orders को कर रहे हैं, but this will be a little rapid. हम जल्दी-जल्दी complete करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक revision है. I'm expecting कि आपको ये आता होगा. I am Unnati श्रीवास्तव. I've done my master's in law from NLU Delhi. बाकी चीजें आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं. जब भी before हम session को start करें, please like and share the session and also press the bell icon and subscribe to the channel. Unacademy पे आप जा सकते हैं. Unacademy की app को आप use कर सकते हैं. और जब भी आप Unacademy की app पे जाएं, तो UNNATILIVE code का use करें. UNNATILIVE code का use करके आप कोई भी free plan को unlock कर पाएंगे. किसी भी plan पे आप subscribe करना चाहते हैं, तो उसमें आपको additional 10% discount मिल सकता है. मेरी profile का link आपको description box में मिल जाएगा. आप वहाँ से मेरी profile भी देख सकते हैं कि कौन सी free special classes मैं वहाँ पे conduct कराती हूँ. Also Unacademy पे जाके before आपका actual exam आए, आप compete कर सकते हैं thousands of aspirants से और समझ सकते हैं कि where do you stand in the crowd. Also, we have a feature called free special classes every day, जिसमें हर educator अपनी free classes को conduct करते हैं. मेरी free special classes होती हैं 6 p.m. पे. इनको आप देख सकते हैं, free of cost हैं, interactive sessions होते हैं. Wednesday को मैं CPC पढ़ाती हूँ, constitutional law होता है. Saturday को criminal procedure code होता है. Sunday को IPC happens on Thursday and Indian Evidence Act happens on Tuesday. हम सिर्फ क्लासेस नहीं करते हैं, एमसीक्यू सेशंस भी करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं. जिस तरह से हमने लिमिटेशन एक्ट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, उसी तरह से ये सारी चीजें Unacademy के प्लेटफॉर्म पे भी होती हैं. नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं. देयर आर आल्सो प्लस सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल. प्लस सब्सक्रिप्शंस होते हैं बैचेस के लिए, जैसे कि ये एक रैपिड रिवीजन बैच है जो हरियाणा और राजस्थान के लिए शुरू किया गया है. ये 13th अक्टूबर मतलब कल स्टार्ट हुआ है. अगर आप इस बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप उन्नति लाइव कोड का यूज करके आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. सो यू मस्ट यूज द कोड एंड यू कैन सब्सक्राइब टू एनी बैच दैट यू विश टू. ऑल्सो ये सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग अवेलेबल है, जो 1 month, 24 months, 18 months, वॉट एवर इज फीजिबल फॉर यू, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें एंड गेट द बेस्ट हेल्प अवेलेबल जो Unacademy पे है, उससे आप अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करें. ऑल्सो देर आर मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑन आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, जितने भी हमारे लॉ के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिनको आप अवेल कर सकते हैं ऑन Unacademy. ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे इस समय पे आप मुझे देख रहे हैं. ऑल्सो हमारा Unacademy का टेलीग्राम चैनल है. मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं कि मैं क्या आपको पढ़ाऊँ, कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और चैनल का नाम है लेट्स क्रैक लॉ. लेट्स क्रैक लॉ ये चैनल का नाम है. लेट्स क्रैक लॉ UA जुडिशरी. इसको आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें हम लोग डेली कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं और करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं. सो ये दिस इज अ ग्रुप जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ हमने ऑर्डर एक तक लास्ट क्लास में कर लिया था. ऑर्डर एक तक ये मैंने आपको बता दिया, इसमें 7 पार्ट्स आएंगे. इसके ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है. अगर आपने वो नहीं देखा है, तो आप इस सेशन के बाद उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑर्डर 8 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है. आज हम ऑर्डर 9 टू ऑर्डर 13 करेंगे. काफी क्विकली करेंगे, बट इसको बिगिन करते हैं. ऑर्डर 9 पर्टिकुलरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम. सो ऑर्डर 9 क्या कहता है? ऑर्डर 9 कहता है कि सूट डिसमिस हो जाएगा अगर प्लेंटिफ की गलती की वजह से डिफेंडेंट पे समन सर्व नहीं हुए. तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑर्डर 9. ऑर्डर 9 कहता है कि समन सर्व नहीं हुए, समन्स नॉट सर्व्ड, किस पे? डिफेंडेंट पे. समन्स क्योंकि डिफेंडेंट पे सर्व होते हैं, और प्लेंटिफ की किसी गलती की वजह से. वो गलती क्या है? उन्होंने कोर्ट फीस नहीं पे की. जो पोस्टल चार्जेस की कोर्ट फीस होती है, वो इन्होंने पे नहीं करी. या फिर
उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 9 से कंप्लाई नहीं किया और उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 9 से कंप्लाई नहीं किया जिसमें उन्हें प्लेंट की कॉपी प्रेजेंट करनी होती है. ओके, प्लेंट की कॉपी प्रेजेंट करनी होती है. इन दोनों में से किसी गलती की वजह से समन सर्व नहीं हो पाए, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा सूट डिसमिसल. गुड आफ्टरनून मुकेश. इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा सूट डिसमिसल, राइट. सो सिंपली अगर आप इस सेक्शन को इस ऑर्डर को पढ़ेंगे, इस ऑर्डर रूल को पढ़ेंगे, तो ये है ऑर्डर 9 रूल 2, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर समन सर्व नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ प्लेंटिफ्स फॉल्ट तो उनका सूट डिसमिस हो जाएगा. दैट इज इट, दैट इज व्हाट ऑर्डर 9 रूल 2 इज टॉकिंग अबाउट. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कंप्लीट ऑर्डर 9 रूल 3. सिंपल है, ऑर्डर 9 रूल 3 में कुछ नहीं है. ऑर्डर 9 रूल 3 में ये लिखा है कि जहां पे दोनों पार्टीज अपियर नहीं होती हैं वहां पे भी सूट डिसमिस होगा. ऑर्डर 2 में भी सूट डिसमिस हो रहा है, अरे ऑर्डर 9 रूल 2 में भी सूट डिसमिस हो रहा है और ऑर्डर 9 रूल 3 में भी सूट डिसमिस हो रहा है. ऑर्डर 9 रूल 2 मैंने आपको बता दिया और ऑर्डर 9 रूल 3 ये है, वेयर नीदर पार्टी अपियर सूट टू बी डिसमिस. मतलब अगर दोनों पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपियर नहीं करते हैं तो सूट डिसमिस हो जाता है. नाउ लेट्स मूव टू ऑर्डर 4. ऑर्डर 4 क्या कहता है? ऑर्डर 4 ये कहता है कि आपका सूट डिसमिस हुआ है. ओके, सूट डिसमिस हुआ है किन-किन वजहों से? पहली वजह है कि प्लेंटिफ ने समन सर्व नहीं किया. प्लेंटिफ ने समन सर्व नहीं किए. ये कहां पे लिखा है कि सूट डिसमिस हो जाएगा? ये ऑर्डर 9 रूल 2 में लिखा है. या फिर Both the parties did not appear. ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है Order 9 Rule 3 में. हमने यही तो अभी पढ़ा, Order 9 Rule 2 में लिखा है कि suit dismiss हो जाएगा अगर plaintiff की fault की वजह से summons serve नहीं होता है, और Order 9 Rule 3 में लिखा है कि अगर दोनों parties present नहीं होती हैं, तो आपका suit dismiss हो जाएगा. अब इसमें है क्या? अगर आपका सूट डिसमिस हो जाता है तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है? प्लेंटिफ फ्रेश सूट ला सकता है. एक तो ये बात हो गई कि प्लेंटिफ को राइट है कि वो फ्रेश सूट ला सकता है, पर ये सब्जेक्ट होगा लिमिटेशन एक्ट पे. सेकंड, वो अप्लाई कर सकता है एक ऑर्डर के लिए टू सेट असाइड द डिसमिसल. अब और ये वो कैसे करेगा? ये वो करेगा कोई सफिशिएंट कॉज बता के. ओके, कोई सफिशिएंट कॉज बता के कोर्ट को कि अगर वो सैटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि मैं मेरी कि क्यों मैं समन सर्व नहीं कर पाया और क्यों मैं उस दिन अपियर नहीं हुआ था, अगर प्लेंटिफ सैटिस्फाई कर देता है तो सूट जो है इसको कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ सूट. तो बेसिकली ऑर्डर 9 रूल 4 आपको दो ऑप्शन देता है, या तो आप फ्रेश सूट ला सकते हो अगर आपका सूट डिसमिस हो गया, या फिर आप सूट रेस्टोर करा सकते हो. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि रेस्टोरेशन जो है वो एक लेस हार्शर ऑर्डर है फ्रेश सूट लाने से. क्यों? क्योंकि फ्रेश सूट में आपको फ्रेश कोर्ट फीस देनी पड़ेगी और रेस्टोरेशन में ऐसा नहीं होगा, वही सूट वापस से रेस्टोर हो जाता है. ऑल्सो अगर आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका होगा तो आप फ्रेश सूट तो ला ही नहीं सकते. सो द प्लेंटिफ वुड ऑलवेज ट्राई टू गेट द सूट रेस्टोर्ड. ये सिर्फ एक लॉजिकल बात है. ओके, तो यही ऑर्डर 9 रूल 4 कहता है. नाउ लेट्स रीड ऑर्डर 9 रूल 5. ऑर्डर 9 रूल 5 क्या कह रहे हैं? डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फेल्स फॉर 7 डेज टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स. हुआ क्या है यहाँ पे? प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने समन सर्व कराए, ठीक है, समन सर्व कराए डिफेंडेंट पे. ये तो सबको पता है कि समन सर्व होते हैं डिफेंडेंट पे. वो समन क्या थे? वो अनसर्व्ड वापस आ गए. मतलब बेसिकली डिफेंडेंट उनको मिला नहीं, वो अनसर्व वापस आ गए. अब प्लेंटिफ का ये उनपे एक ऑब्लिगेशन है कि वो विद इन 7 डेज न्यू समन्स के लिए अप्लाई करें उस डेट से जिस दिन पे ये समन्स अनसर्व्ड वापस आए हैं. जिस दिन ये रिटर्न हुआ है उसके विद इन 7 डेज इनको न्यू समन्स के लिए अप्लाई करना होता है. और क्या हुआ? प्लेंटिफ फेल हो गए. प्लेंटिफ फेल्ड. ओके, गुड आफ्टरनून वंशिका. प्लेंटिफ फेल हो गए ये समन्स को सर्व करने में. प्लेंटिफ फेल हो गए ये जो 7 डेज में उनको वापस से समन सर्व कराने थे उसमें. इससे क्या होगा? इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट होगा दैट सूट विल बी डिसमिस्ड. ओके, सूट विल बी डिसमिस्ड.
इसी में इसकी रेमेडी भी लिखी है कि अगर वो ये सूट तो डिसमिस हो गया, लेकिन अगर वो कोई सफिशिएंट कॉज से सैटिस्फाई कर देते हैं तो सूट सबमिट नहीं होगा कि उन्होंने 7 डेज क्यों उन्होंने न्यू समन्स नहीं किए, वो सैटिस्फाई कैसे करेंगे, वो यहाँ पे लिखा है। वो ये तीन बातों से कोर्ट को ये बता सकते हैं कि he has failed after his best endeavors to discover the residence of the defendant, मतलब plaintiff कह सकते हैं कि मुझे defendant का घर ही नहीं मिला तो मैं summons को वापस कैसे serve कराता, मतलब मैंने पहले summons serve कराया वो वापस इसीलिए आ गए होंगे क्योंकि मुझे घर नहीं मिला, अब वो मुझे घर मिला ही नहीं वापस तो मैं वापस से कैसे apply करता। दूसरी बात, such defendant is avoiding service of process, वो ये भी बता सकते हैं कि जो defendant है वो service करने नहीं दे रहा है मुझे summons की। दूसरी बात, तीसरी बात वो ये बोल सकते हैं there is any other sufficient cause for extending टाइम इन विच केस द कोर्ट में कोई और की कॉज है जिसमें कोर्ट वो कर सकती है, आपको अलाउ कर सकते हैं कि ठीक है आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जाता है जाके नए समन्स को सर्व करिए। बट इस केस में अगर आपका सूट डिसमिस हो जाता है, अगर सपोज आप ये सफिशिएंट कॉजेज उनको नहीं दे पाते हो और आपका सूट डिसमिस हो जाता है तो आपके पास ओनली रेमेडी अवेलेबल क्या है, फ्रेश सूट फाइल करने की। जबकि ऑर्डर 9 रूल 4 में आप रेस्टोरेशन ऑफ सूट भी करा सकते थे, बट ऑर्डर 9 रूल 5 में सिर्फ फ्रेश सूट फाइल करने की रेमेडी है, यही कुछ यहाँ पे लिखा है। नाउ लेट्स मूव टू ऑर्डर 9 रूल 7। ऑर्डर 9 रूल 7 क्या कहता है, डिफेंडेंट वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन डे ऑफ अडजर्नड हियरिंग एंड असाइंस गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, क्या हो रहा है, जैसे एक हियरिंग की डेट लगाई होगी कोर्ट ने, उस पे डिफेंडेंट नहीं आए तो वो सूट जो था वो अडजर्न कर दिया गया कि चलो हम बाद में सुनेंगे इस सूट को। अब उस अडजर्न डेट के दिन डिफेंडेंट आ जाते हैं तो बेसिकली इस सिचुएशन में क्या होगा, नाउ डिफेंडेंट जो है वो अडजर्न डेट के दिन आए हैं और उन्होंने एक गुड कॉज दिया है कि वो पहले क्यों नहीं आए थे, ओके उन्होंने गुड कॉज दिया है फॉर हिज नॉन अपीयरेंस। तो कोर्ट जो है वो उनको हियर करेगी, कोर्ट विल हियर एंड ही मे अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट डायरेक्ट कॉज देनी पड़ेगी उनको क्योंकि वो पहले नहीं आए थे, बी हर्ड इन आंसर टू द सूट एज इफ ही हैड अपीयर्ड ऑन द डे फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस, कैसे एज इफ एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि माना जाएगा कि वो फर्स्ट डे ही आए थे, ओके वेयर द कोर्ट हैज अडजर्नड द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी, मतलब एक पार्टी नहीं आई थी, डिफेंडेंट नहीं आए थे एंड द डिफेंडेंट एट और बिफोर सच हियरिंग अपीयर्स इन असाइंस गुड कॉज फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपीयरेंस ही मे अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट डायरेक्ट एज टू कॉज और अदरवाइज बी हर्ड इन आंसर टू द सूट, मतलब उनको सुनने का मौका देगी कोर्ट कि आप अपनी बात कहिए और ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने ये बात अपनी फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग पे ही कही थी। Alright, this is clear to everyone. So, इसके बहुत सारे order, इसके आप देखेंगे तो सारे ही rules important है. Order 9 rule 2 से लेके अभी तक हमने कोई भी rule miss नहीं किया है. So, let's move to order 9 rule 8. As I told you, इसके सारे ही orders rules important है. अब क्या होता है? अब क्या situation है कि procedure में defendant only appears. मतलब, plaintiff नहीं आए हैं. Defendant आए हैं और plaintiff नहीं आए हैं. ठीक है, डिफेंडेंट आए और प्लेंटिफ नहीं आए तो क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा ऑब्वियसली, कॉमन सेंस राइट, प्लेंटिफ जिसने खुद सूट फाइल किया है वो खुद नहीं आता अनलेस, लेकिन इसमें सिचुएशंस हैं, अनलेस डिफेंडेंट जो है जब वो आए हैं तो डिफेंडेंट एडमिट कर लेते हैं, डिफेंडेंट एडमिट कर लेते हैं क्या, एक तो वो पूरा क्लेम, ठीक है होल क्लेम एडमिट करते हैं या फिर वो पार्ट ऑफ द क्लेम को एडमिट करते हैं। अगर वो पूरा क्लेम एडमिट करते हैं तो डिक्री आ जाएगी अगेंस्ट द डिफेंडेंट, डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और अगर वो पार्ट क्लेम को एडमिट करते हैं तो जितना उन्होंने क्लेम को एडमिट किया है उसके खिलाफ उनकी डिक्री आ जाएगी और जो रिमाइंडर बचेगा उसको डिसमिस्ड माना जाएगा। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑर्डर 9 रूल 9 इसका ही एक्सटेंशन है, इस रिमाइंडर को डिसमिस माना जाएगा और अगर वो कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करते एडमिट करते तो ऑब्वियसली सूट पूरा का पूरा डिसमिस होगा। नाउ लेट्स मूव टू ऑर्डर 9 रूल 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ही रूल्स इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, सूट जो है डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट, ये क्या कह रहा है कि आपने रूल 8 जो हमने इसके पहले था आप अपीयर नहीं हुए उसकी वजह से आपके खिलाफ सूट जो था वो डिसमिस हो गया। अब क्या है,
आपको प्रिवेंट कर दिया जाएगा इसकी वजह से. अगर आप रूल 8 में अपियर होने थे और आप नहीं हुए तो आपको प्रिवेंट कर दिया जाएगा कि आप फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं लेके आ सकते. फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं लेके आ सकते. लेकिन आपको एक रेमेडी है कि आप इसको सेट असाइड करा सकते हैं, इस ऑर्डर को सेट असाइड करा सकते हैं एक सफिशियंट कॉज देके. एक सफिशियंट कॉज जो आपका रूल 8 में आप नहीं आए थे उसका एक सफिशियंट कॉज देके आप इसको सेट असाइड करा सकते हैं. अदरवाइज यू विल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम फाइलिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ऑर्डर 9 रूल 11. नाउ ऑर्डर 9 रूल 11 क्या कहता है? प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर सेवरल डिफेंडेंट्स. वेयर देर आर मोर डिफेंडेंट्स, वन एक डिफेंडेंट से ज्यादा कई सारे डिफेंडेंट्स हैं, एंड वन और मोर ऑफ देम अपियर एंड द अदर्स डू नॉट अपियर. अब हियरिंग की डेट थी, उसमें कुछ डिफेंडेंट्स आए कुछ नहीं आए, कोर्ट क्या करेगी? रुकेगी नहीं, कोर्ट प्रोसीड करेगी. एंड द कोर्ट शैल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट, और जब जजमेंट दे रही होगी तो वो कोई भी ऑर्डर, मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंडेंट्स हु डू नॉट अपियर. इसका बेसिकली सिंपल सिर्फ ये मीनिंग है कि अगर डिफेंडेंट्स नहीं आते हैं, बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ एक डिफेंडेंट आ रहा है, तो कोर्ट ऐसे नहीं करेगी कि जो बाकी नहीं आए हैं उनके अगेंस्ट वो ऑर्डर नहीं देगी, उनके अगेंस्ट भी जजमेंट प्रोनाउंस करेगी. अगेंस्ट या फेवर वो अलग बात है, राइट? सिंपल सी बात है. ऑर्डर 9 रूल 13 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का. सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री. एक्स पार्टी क्या होता है? अगर प्लेंटिफ को खुद अकेले एक पर्सन को, एक पार्टी को डिक्री मिल जाती है, ठीक है, दूसरी पार्टी के एब्सेंस में. इसको रीड करते हैं. इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिक्री एक्स पार्टी पास हो गई, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set it aside. Order 9 rule 13 में वो इस ex parte order को set aside कराने की बात कर सकता है. और अगर and if he satisfies the court that the summons was not duly served. पहला क्या reason है? Summons were not duly served. Okay, याद रखना है. क्या उसको court को बताना होगा कि summons were not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing. दूसरा क्या है कि कोई sufficient cause था कि मैं उस दिन court में नहीं आ पाया. Sufficient cause for non-appearance. इन दोनों में से कोई भी reason अगर उसके पास है और उसके खिलाफ एक ex parte decree आई है तो वो उसको set aside करा सकता है. By any sufficient cause from appearing, when the suit was called on for hearing, the court shall mandate है court पे make an order setting aside the decree as against him upon such terms as to cause, मतलब वो set aside कर देगी आपके ex parte decree, payment into court और cost वगैरह लगा के आगे बढ़ते हैं. Provided, अब आगे proviso, that where the decree is of such nature that it cannot be set aside as against such defendant only, it may be set aside against all the defendants. तो basically क्या है कि एक से ज्यादा defendant है और सभी ने डिफॉल्ट किया, लेकिन वो डिक्री ऐसी है कि वो सिर्फ एक के खिलाफ सेट असाइड नहीं हो सकती, तो वो सबके खिलाफ सेट असाइड हो जाएगी. नेक्स्ट प्रोविजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट शैल सेट असाइड अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टे मियरली ऑन द ग्राउंड दैट देयर हैज बीन एन इररेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ समन्स. ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डिक्री को आप सिर्फ इसलिए सेट असाइड नहीं करा सकते कि आप ये बोल दोगे कि एक इररेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ समन्स थी, दैट देयर हैज बीन एन इररेगुलरिटी ऑफ द समन्स. इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट अ डिफेंडेंट को अगर नोटिस था कि समन्स है, उसको डेट ऑफ हियरिंग का नोटिस था, तो ये डिक्री सेट असाइड नहीं होगी क्योंकि दैट इज जस्ट अ मियर इररेगुलरिटी. ओके, एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब होता है? एक्सप्लेनेशन का ये मतलब होता है, सपोज जैसे एक्स पार्टी डिक्री है, पहले पढ़ते नहीं है, पहले समझते हैं. एक्स पार्टी डिक्री आ गई अगेंस्ट द डिफेंडेंट, राइट? अब डिफेंडेंट ने क्या किया, इसको सेट असाइड कराने के बजाय वो इसको अपील में ले गए, ठीक है? अब क्या हो रहा है, अगर ये मैटर अपील में डिस्पोज ऑफ हो जाता है, डिस्पोज ऑफ मतलब इसका रिजल्ट आ जाता है,
तो ये मैटर तब आप सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिक्री के लिए फाइल नहीं कर पाएंगे. अगर ये मैटर अपील में था और आपने इसे विड्रॉ कर लिया तो आप इसमें सेटिंग असाइड का ऑर्डर करा सकते हैं अपने लिए. वेयर देयर हैज बीन एन अपील अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टे अंडर दिस रूल एंड द अपील हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ एनी ग्राउंड अदर देन द ग्राउंड दैट द अपेलेंट हैज विड्रॉन द अपील, no application shall lie under this rule for setting aside that ex parte decree. ये जो मैंने आपको explain किया इसका यही मतलब है. Order 9 is over, let's move to order 10. Order 10 rule 1 बहुत simple बात बोलता है, वो ये बोलता है कि जैसे ही admissions or denials okay record हो जाते हैं, जैसे ही admissions or denials record हो जाते हैं, court में mandate है, court shall, मतलब it's a mandate ऑन कोर्ट कि वो पार्टीज को एनकरेज करे कि वो सेटलमेंट ओके कि वो सेटलमेंट ऑप्ट कर ले. और ये सेटलमेंट कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 89. क्या क्या है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन या लोक अदालत, इनमें से किसी भी तरह का वो सेटलमेंट ले सकते हैं. यही कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. नाउ ऑर्डर 10 रूल 2 क्या बोलता है, Order 10 rule 2 बोलता है, oral examination of party or companion of party. ध्यान देना है, इसको पढ़ते हैं. At the first hearing, पहली बात तो first hearing of the suit की बात हो रही है, the court A shall, important, shall with a view of elucidating matters in controversy in the suit, examine orally such of the parties to the suit appearing in person or present in court as it deems fit. मतलब जो party है उसको वो शाल, उसको शाल एग्जामिन करेगी. उसके लिए जरूरी है कि वो एग्जामिन करे उन पार्टीज को, कोई भी मैटर जो कंट्रोवर्सी में है उसको एलुसिडेट करने के लिए. बी, मे ओनली एग्जामिन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को एबल टू आंसर, मतलब जैसे उनके साथ में कोई है उनको भी एग्जामिन कर सकती है, बट ये मैंडेट नहीं है, ये कोर्ट की मर्जी है, डिस्क्रिशन है कि वो ये उस पर्सन को एग्जामिन करेगी कि नहीं करेगी. हु इज एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट बाय हुम एनी पार्टी अपीयरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन कोर्ट और इज प्लीडर इज अकंपनीड. फाइन, नाउ लेट्स मूव टू ऑर्डर 11. ऑर्डर 11 बात करता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस के बारे में. ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है. ऑर्डर 11 रूल 5 यूजुअली सिर्फ ये पूछा जाता है आपसे कि क्या, कि आपको अगर कॉर्पोरेशन पे, किसी कॉर्पोरेशन पे इंटेरोगेटरी को डिलीवर करना है तो वो किस ऑर्डर रूल में होगा, तो वो ऑर्डर 11 रूल 5 में होता है. आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर किसी इंटेरोगेटरी, क्या होता है इंटेरोगेटरी, होता है एक पार्टी एक रिटन क्वेश्चन देती है दूसरी पार्टी को और उससे सीख करती है कि आप इसको आंसर करेंगे, और जो दूसरी पार्टी है उस पर यह ऑब्लिगेशन है कि वो इस चीज को आंसर करे. ठीक है, ये इंटेरोगेटरी होता है. तो अगर आपको कॉर्पोरेशन पे इंटेरोगेटरी को सर्व करना है, डिलीवर करना है, तो उसके बारे में ऑर्डर 11 रूल 5 बात करता है. मूविंग फॉरवर्ड, ऑर्डर 11 रूल 7 इज इंपॉर्टेंट, सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज. जैसे मैंने आपको बताया इंटेरोगेटरीज क्या है, एक पार्टी रिटन क्वेश्चंस पूछ रही है दूसरी पार्टी से. अब इन स्ट्राइकिंग आउट का मतलब कि उन इंटेरोगेटरीज को हटा देना, स्ट्राइक आउट कर देना, खत्म कर देना. क्यों करोगे आप, एनी इंटेरोगेटरी मे बी सेट असाइड, हटा देना, जैसे आई टोल्ड यू, ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन एग्जिबिटेड अनरीजनेबली और वेक्सेशियसली, और स्ट्रक आउट ऑन द ग्राउंड दैट दे आर प्रोलिक्स. प्रोलिक्स का क्या मतलब होता है, बहुत लेंदी, बेवजह, लंबा लंबा लिखा हुआ है, ऑप्रेसिव, अननेसेसरी, स्कैंडलस, इन तरह की कोई भी चीजों की वजह से आप किसी अपनी, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऐसे करके आ सकता है कि एक में आपको ये लिख देंगे दैट दे हैव बीन एग्जिबिटेड अनरीजनेबली और वेक्सेशियसली, या फिर दूसरी में, तो ये दोनों ही रीजन होते हैं, ऑन द ग्राउंड दैट दे आर प्रोलिक्स, ऑप्रेसिव, अननेसेसरी, स्कैंडलस, एंड एनी एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पस मे बी मेड विद इन 7 days. इंपॉर्टेंट क्या है, 7 days, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है. आफ्टर द सर्विस ऑफ द इंटेरोगेटरीज, मतलब 7 दिन में ये स्ट्राइक आउट करने की एप्लीकेशन, जैसे आपने इंटेरोगेटरी को डिलीवर किया उसके विद इन 7, जैसे आप पे हुई डिलीवर, उसके विद इन 7 दिन में आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हो कि प्लीज ये स्ट्राइक आउट कर दीजिए इस इंटेरोगेटरी को, क्योंकि इसमें ये सब प्रॉब्लम्स हैं.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 11 रूल 21 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि आपको इंटेरोगेटरी का आंसर करना था, बट आपने इंटेरोगेटरी को आंसर नहीं किया, ठीक है, या फिर और आपने कोई डिस्कवरी, यहां पे समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर, आपको किसी इंटेरोगेटरी को आंसर करना था एंड यू डिड नॉट डू इट, और आपको कोई डिस्कवरी या इंस्पेक्शन करानी थी डॉक्यूमेंट्स की, ओके, इंस्पेक्शन करानी थी डॉक्यूमेंट्स की और वो भी आपने नहीं किया। नाउ होगा क्या अगर प्लेंटिफ ने ऐसा नहीं किया, अगर प्लेंटिफ पे ये ऑब्लिगेशन थी कि वो किसी इंटेरोगेटरी को आंसर करे और उन्होंने नहीं किया, तो उनका सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा। और सिर्फ सूट डिसमिस नहीं होगा, वो बार हो जाएंगे एक फ्रेश सूट फाइल करने से, वो बार हो जाएंगे एक फ्रेश सूट फाइल करने से ऑन दी सेम कॉज ऑफ एक्शन, फाइन। और सपोज यही सेम चीज डिफेंडेंट ने करी, उन्होंने किसी इंटेरोगेटरी को आंसर नहीं किया, तो उनका डिफेंस स्ट्रक हो जाएगा। डिफेंस स्ट्रक होना क्या मतलब होता है, डिफेंस स्ट्रक होने का मतलब होता है कि आपको डिफेंस नहीं करने दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि आपको कोई डिफेंस नहीं करने दिया जा रहा। तो ये दोनों चीजें होंगी ऑर्डर 11 रूल 21 में, यस अभिषेक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव कम टू ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 बात करता है एडमिशंस की। अब ऑर्डर 12 में क्या होता है कि एडमिशंस किए जाते हैं प्लीडिंग से, आप एडमिशन मतलब कि कोई भी पार्टी किसी अपनी प्लीडिंग से ये कह सकती है कि हाँ मैं एडमिट करता हूँ, जो कुछ भी है ये ट्रूथ ऑफ दिस है, या फिर गुड आफ्टरनून अंजला, ठीक है, तो आपको ये करा जा सकता है, फाइन। दिस कैन बी डन कि एडमिट कर सकती है पार्टी कि हम ये मानते हैं कि हाँ ये चीजें इज माई एडमिशन, फाइन, कि एडमिशन आप प्लीडिंग से करते हो या किसी अग्रीमेंट से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप एडमिशन, ये चीजों को एडमिट कर रहे हैं। उसका नोटिस की बात हो रही है, ईदर पार्टी, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है 7 days, आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है, ईदर पार्टी में कॉल अपॉन दी अदर पार्टी, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये क्वेश्चन करती, अरे ये बोलती है, नोटिस देती है कि आपको जो भी एडमिशंस बनाने हैं बना लीजिए, और ये नोटिस विदिन टू एडमिट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, और ये जो नोटिस जब से सर्व होता है तब से उन्हें 7 days मिलते हैं, ओके, फिशिंग इंटेरोगेटरीज क्या होता है, सॉरी लाइक आई हैव टू चेक दैट एंड गेट बैक टू यू विद दिस, ओके। सो नोटिस होता है 7 days में आपको उन्हें, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, आपको 7 days में दूसरी पार्टी को बोलती है कि प्लीज आके आप एडमिट करिए जो भी आपको एडमिट करना है। देन ऑर्डर 12 रूल 4 बात करता है नोटिस टू एडमिट फैक्ट्स, एनी पार्टी मे बाय नोटिस इन राइटिंग At any time, not later than 9 days. ये important है समझना, ये आपसे यहाँ पे question सिर्फ 9 और 7 के आते हैं कि ये days पूछे जाते हैं, ठीक है। Any party may by notice in writing at any time, not later than 9 days before the day fixed for the hearing, मतलब 9 दिन पहले, 9 days before hearing के, एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देगी फॉर द कॉल ऑन एनी अदर पार्टी टू एडमिट फॉर द पर्पसेस ऑफ सूट ओनली, क्या एडमिट करने को बोलेगी, एडमिट एनी स्पेसिफिक फैक्ट्स, ये स्पेसिफिक फैक्ट्स के एडमिशन के लिए नोटिस होता है, वो तो पहले एक जनरल एडमिशन है, ठीक है, तो उसके अंदर 7 days का नोटिस दिया जाता है। यहाँ पे हियरिंग के 9 दिन पहले आपको एक नोटिस सर्व करना होगा दूसरी पार्टी पे कि आप कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट को एडमिट करिए नाउ इसमें, और अगर वो पार्टी उसको रिफ्यूज कर देती है, निग्लेक्ट करती है इस नोटिस को, तो उसे विद इन 6 days, जैसे नोटिस यहाँ पे सर्व हुआ, ठीक है, जैसे नोटिस यहाँ पे सर्व हो गया, इसके विद इन 6 days उसे
days within 6 days after service of such notice or within such further time as may be allowed by the court, court isko extend kar sakti hai, the cost of proving such facts or facts shall be paid by the party, so neglecting, usse cost pay karni hogi. Is notice serve hone ke 6 din baad, 6 days later, 6 days later, unhe cost pay karni hongi. Okay? So, यहाँ पे जो question आपसे पूछा जाता है वो 9 days और 6 day पे पूछा जाता है. तो इसके लिए आपको अपनी बैरक की reading को ध्यान से करना है कि वो 9 days कहाँ पे है और 6 days कहाँ पे, क्योंकि directly ये verbatim में पूछा जाता है in the examination. Alright, then moving forward, judgment on admissions. Order 12 rule 6, rule 6 बोलता है कि where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise, whether orally or in writing. कोई admission बना लिया है किसी party ने orally या फिर writing में, court किसी भी stage पे, इसके words important है, may at any stage either on the, अच्छा, ये either on the application of any party या suo motu, on own motion, suo motu, and without waiting for the determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit regard to having regard to such admission. Matlab kya hai ki agar kisi party ne kuch admit kar diya to court at any stage us fact pe apna order de sakti hai, us admission pe apna order de sakti hai on the application of party, या तो party खुद इसके लिए apply करे, या फिर suo motu, वो court की अपनी मर्जी है. So ये तो बात करता है judgment on admissions. ये है order 12 rule 6. Now the last order for today is order 13, जो इसमें एक ही rule हमारे exam perspective, जो specifically strictly prelims के लिए important है, वो है ये. Order 13 rule 1, production, impounding and return of documents, original documents to be produced at or before the settlement of issues. Important word hai at or before the settlement of issue. Kab aapko original documents ko produce karna hoga? Pehle settlement of issues ke pehle ya fir jab settlement of issues ho rahe hain tab. The parties or their pleader shall produce on or before the settlement of issues all the documentary evidence in original, original mein, sare documentary evidences aapko original mein dene hai, where the copies thereof have been filed along with plaint or written statement. Jiski copy aapne plaint or written statement ke saath di thi, wo aapko original mein dene hai. The court shall receive the documents so produced, provided that they are accompanied by an accurate list thereof, prepared in such form as the High Court directs. Nothing in sub-rule 1 shall apply to documents, lekin jo documents cross-examination or refreshing memory ke liye use hote hain, unko aapko dene ki zarurat nahi hoti hai. Theek hai, ye rule un documents pe nahi lagta jo aap cross-examination ya refreshing memory ke liye use karte hain. So this is it, this is what is important in order 13. To humne aaj kiya hai order 9 to order 13. कल हम लोग order 14 से शुरू करेंगे. We are going to do from order 14 to order 19. This is what we are going in to do in the next session. आप इतना जरूर से revise कर लीजिएगा, and this is very very important for you from your prelims perspective. So I hope you have understood whatever I was explaining, and आपको ये याद भी हो जाना चाहिए. ये आपके हरियाणा और राजस्थान दोनों के लिए काफी important है. Before you leave, please like and share the session and press the bell icon and subscribe.